कानून पर देश के राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी और प्रदेश की गहलोत सरकार ने इसे लागू करने के लिए इच्छा शक्ति दिखा दी। वहीं कानून नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही के कारण लागू नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट की, जिसका प्रदेश के लाखों अपार्टमेंट वासी पिछले 1.5 दशक से इंतजार कर रहे हैं। देश में संभवतया राजस्थान एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट लागू नहीं है। पिछले 1.5 दशक से इस एक्ट को लागू करने की कवायद चल रही है। इस दौरान 3 बार ये विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और 3 बार राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसे प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे चुके हैं। इसके बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने इसे लागू करने की समय सीमा भी तय कर दी है। इन सब के बावजूद नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही इस कदर भारी है कि ये कानून सरकार की ओर से तय समय सीमा बीतने के बाद 15 दिन और बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हो पाया। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसे अपार्टमेंट वासियों के हित में लागू करना बेहद जरूरी है। मौजूदा समय में अपार्टमेंट के खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री में भूमि शामिल नहीं है। इसके चलते अपार्टमेंट क्रेता केवल अपार्टमेंट का मालिक होता है। जिस भूमि पर अपार्टमेंट बना है उस पर उसका कोई भी हक नहीं होता। वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत अपार्टमेंट क्रेता का भूमि पर भी स्वामित्व हो। इस एक्ट के तहत बिल्डर को भूमि का मालिकाना हक देना होगा। भूमि की सब लीज अपार्टमेंट खरीदार के पक्ष में जारी करनी होगी। डीड ऑफ अपार्टमेंट के जरिए अपार्टमेंट के साथ कॉमन एरिया, विभिन्न सुविधाओं पर खरीदार के अधिकार स्पष्ट होंगे। आवंटन के 6 महीने के अंदर बिल्डर को डीड ऑफ अपार्टमेंट संपादित करनी होगी। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सुविधा भी मिलेगी, जिसके लिए उसका गठन किया जाएगा। बिल्डर एसोसिएशन को भवन का नक्शा, वायरिंग, प्लम्बिंग आदि समस्त जानकारी उपलब्ध कराएगा। अपार्टमेंट खरीदार पूरे भवन के रखरखाव के मद में एक निर्धारित शुल्क एसोसिएशन को देगा। राष्ट्रपति कोविंद ने इस साल 3 जुलाई को इस एक्ट को लागू करने पर अपनी मोहर लगा दी थी, लेकिन तब भी नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते 3 महीने तक मामले में कुछ नहीं हुआ। इस पर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर प्रसारित कर अधिकारियों की इस लेट लतीफी का खुलासा किया था। खबर में बताया गया कि कानून को लागू करने के लिए इसके तहत नियम बनाकर उन्हें लागू करना जरूरी है, लेकिन अब तक विभाग ने नियम ही नहीं बनाए हैं। इस खुलासे के बाद प्रमुख सचिव नगरीय विकास भास्कर एस सावंत तुरंत हरकत में आए और 30 अक्टूबर को नगर नियोजन विभाग और नगरीय विकास विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई। नियम बनाकर उन्हें लागू करने की क्या समय सीमा तय की गई थी और अब तक इस मामले में क्या हुआ ये भी जानते हैं। 10 नवंबर तक मुख्य नगर नियोजक कार्यालय की ओर से विधेयक के तहत नियमों का प्रारूप, इस प्रारूप को फाइनल करने से पहले विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। 15 नवंबर तक नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर नियमों का प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। प्रारूप जारी कर 10 दिन में उस पर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक नियम लागू कर दिए जाएंगे। नियम लागू होने के बाद राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस समय सीमा के तहत नियमों का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय ने इसे नगरीय विकास विभाग को भेजा। विभाग के अधिकारी अब तक इस प्रशासनिक अनुमोदन ही नहीं करवा पाए। संबंधित संयुक्त सचिव ने फाइल पर स्पीक लिखकर उसे विधिक शाखा को भेजा। नगरीय विकास विभाग के प्रशासनिक अनुमोदन के बाद नियमों को आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए जारी किया जाएगा। आपत्ति सुझाव के निस्तारण के बाद नियमों के फाइनल प्रारूप को फिर विधि विभाग को भेजा जाएगा। विभाग की मंजूरी के बाद ये नियम लागू हो पाएंगे। कानून को अस्तित्व में लागू करने के लिए अभी बहुत काम होना है, लेकिन मामले में जिस तरह नगरीय विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उसे देखते हुए कहीं इस कानून का लागू होना प्रदेश के लाखों अपार्टमेंट वासियों के लिए एक महज सपना ही ना रह जाए। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।